उस पर किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इस ट्रीटमेंट में क्या मैं अश्वगंधा ले सकता हूँ? यानी कि वो अश्वगंधा जो अच्छा काम करने वाला था वो बुरा काम करने वाला है। आप लोगों की ये ऊल झलूल बातें सुनकर एक पैंक्रियाटाइटिस का मरीज स्टेरॉयड खाकर बैठ जाता है। जब तक आपको मेडिकल चीज़ के बारे में ना पता हो तो फालतू की बातें ना करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपांकर चुग। ये वीडियो बनाने के लिए मैं कोई स्पेसिफिक आयुर्वेदा या प्लांट के बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जनता के लिए हानिकारक है, मैं एटलीस्ट उस बात को पुटअप तो कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये चीज़ मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है और सोसाइटी से रिलेटेड है। तो चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं, एटलीस्ट हमारा आवाज़ उठाना तो बनता ही बनता है, राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने नोटिस किया होगा, आपके यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ लोग आपको फैट लॉस की टेक्निक्स बताते हैं, राइट? वो कहते हैं कि आप ये खा लीजिए फैट लॉस हो जाएगा, चुटकियाँ बजाइए और ये हो जाएगा, राइट? और बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आपको उपाय बताते हैं। इनफैक्ट उनमें कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या वो आयुर्वेदिक उपाय सच में ठीक होते हैं? क्या कभी हमने सोचा है? आई थिंक कभी नहीं, बिकॉज आपको लगता है आयुर्वेदा से कोई नुकसान नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अश्वगंधा पर एक वीडियो बनाया था, उस पर किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इस ट्रीटमेंट में क्या मैं अश्वगंधा ले सकता हूँ? अब जनरली अश्वगंधा इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए बनाया जाता है, और एड्स यानी HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस के अंदर जब एक मेडिसिन चल रही होती है रिटोनावीर, अब ये एंटीवायरल ड्रग जो साथ में चल रही होती है तो वो ऑलरेडी बॉडी पर कुछ असर कर रही होती है वायरस को मारने के लिए। अब एक झोला छाप इंसान जिसको बैकग्राउंड स्टडी नहीं पता होगी वो यही बोलेगा कि हाँ यार इम्यूनिटी बढ़ती है खाइए, मगर आपको मैं बता दूँ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। के साथ अगर अश्वगंधा आप खाते हैं तो एक इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से कि मेडिसिन है जो HIV के अंदर दी जा रही है उसके साथ वो हैम्पर करता है और उसकी इम्यूनिटी को भी फर्दर ड्रॉप डाउन करने लगता है। यानी कि वो अश्वगंधा जो अच्छा काम करने वाला था वो बुरा काम करने वाला है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या फिर पुटिंग समथिंग इन अ बैड पोजिशन कैन मेक समथिंग गुड इन अ वेरी बैड सिचुएशन। अब वो चीज़ जो अच्छा काम करने वाली थी वो उस काम को गलत भी कर सकती है। दोस्तों, पानी भी नुकसान कर सकता है अगर वो ठीक समय पे ना लिया जाए या ठीक तरीके से ना पिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हो गई एक बात जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे महान बॉडी बिल्डर्स बन चुके हैं। देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं, स्टेरॉयड लेते हैं, मेहनत करते हैं, जिम में प्रोटीन खाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी पर कोई असर कर गया हो तो वही चीज़ मेरी बॉडी पर भी असर करेगी या सामने वाले की बॉडी पर असर करेगी। आप लोगों की ये ऊल झलूल बातें सुनकर एक पैंक्रियाटाइटिस का मरीज स्टेरॉयड खाकर बैठ जाता है, उसकी बॉडी पर एक अलग किस्म का रिएक्शन हो जाता है, उसकी वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो अलग ही लेवल पर दिखने लगता है। L-carnitine ले लो, डायूरेटिक ले लो, मैं मानता हूँ ये सप्लीमेंट है, मगर सप्लीमेंट को भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या फिर एक पर्टिकुलर डॉक्टर या फिजिशियन की जानकारी के बिना नहीं खाना चाहिए। यह आपको शायद नहीं मालूम होगा, और ये लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं, उनकी बॉडी पर काम कर जाता है, फिर ये आते हैं देखिए नेचुरल बॉडी। ये नेचुरल बॉडी नहीं होती है, नेचुरल बॉडी एथलेटिक हो सकती है, नेचुरल बॉडी थोड़ी सी हैवी हो सकती है, नेचुरल बॉडी शायद लीन और अच्छी हो सकती है, मगर नेचुरल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नेचुरल बॉडी के नाम पर झांसे देना शुरू कर दें और उल्टी सीधी चीज़ें उन्हें एडवाइस करें जो उन्हें नहीं देनी चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये मोटापा थोड़ी है, ये तो पानी है खाली, इसको निकालना चाहिए, वाटर लॉस कर दीजिए। दोस्त, वाटर लॉस ज़रूर होगा, मगर वाटर लॉस होने से आपका एक्यूट फैट लॉस नहीं होगा। जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, जो बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज़ हैं, वो नहीं कम हुए हैं। कूल स्कल्पटिंग आती है, लाइपोसक्शन आती है, कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी होती है, और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं इतना मसाला मोटापा घटाने के लिए जो लोग करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो करते हैं उसके बाद थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद जब वो अच्छी बॉडी में पहुँच जाते हैं, शेप में पहुँच जाते हैं, तो एक समाज सुधारक की जगह वो एक समाज बिगाड़क का काम करने लग जाते हैं। दे डोंट टेल यू द रियल ट्रूथ। दोस्तों, डायूरेटिक जो होती है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, आप ये देख सकते हैं साइड इफेक्ट।
ये साइड इफेक्ट डायूरेटिक्स के हैं, अगर आपको वो नहीं काम कर पाई, अगर आपकी बॉडी पे उसने एडवर्स रिएक्शन कर दिया, तो पोटेशियम का लेवल अप कर सकती है, डाउन कर सकती है, हेडेक कॉज कर सकती है, एक्सेसिव थ्रस्ट कॉज कर सकती है। ज़बरदस्ती बॉडी में से पानी निकालने की ज़रूरत ही क्या है आपको? आपको अगर वेट कंट्रोल करना है, अगर आपको बॉडी को ठीक करना है, तो उसके बहुत सारे और तरीके हैं। डाइट कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइट कंट्रोल भी करने के लिए सिर्फ यही नहीं कि डाइट कंट्रोल करनी है, डाइट कंट्रोल करने के साथ उस डाइट को प्रॉपर खाने का तरीका क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ईट दैट डाइट, टू टेक दैट डाइट, आपको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। तो अगर आप ये सोचें कि मैं रोटी खाना एकदम छोड़ दूं या रात का खाना एकदम छोड़ दूं, तो ये मत सोचेगा कि आप एकदम से पतले होने लग जाएंगे, आप वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, बॉडी में हिम्मत नहीं होगी, फैटीग होने लग जाएगा, थकान होगी, नींद ज़्यादा आने लगेगी आपको। तो इसका मतलब आप पतले नहीं हुए, आप कमज़ोर हो गए हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं मालूम होंगी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं जो उल्टी सीधी वीडियोस बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रोडक्ट प्रमोट करने का वक्त नहीं है। ये दुनिया को, जनता को, अगर आपको एक माध्यम मिला है, इफ़ यू हैव 1 million सब्सक्राइबर्स एंड लेट्स से 50,000 और 70,000 और 1 lakh पीपल फॉलोज यू रिग्रेसली, तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उन्हें उल्टी सीधी सलाह दिए जा रहे हैं, तो वो उल्टी सीधी सलाह उनके हित में नहीं होगी, वो उनकी बॉडी को ख़राब कर देगी, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल। हो सकता है उनको ये भी ना पता चले कि वो आप जैसे महान कार्यकर्ता ने उनको ये उल्टी सीधी एडवाइस दी थी, इस वजह से हुआ। हो सकता है वो किसी और ही चीज़ पर नाम लगा दें। तो प्लीज़ आप इस जिम्मेदारी को समझें, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन पास आउट ना करें, और जब तक आपको मेडिकल चीज़ के बारे में ना पता हो तो फालतू की बातें ना करें। आप कभी मेरे वीडियोज़ उठाकर देखिएगा, अब देखिए वक्त आ गया प्रमोशन का, मैं अपने वीडियोज़ के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स और एब्स्ट्रैक्ट्स के बिना बात नहीं करता। फैक्ट जब तक नहीं पता होते मैं बोलता नहीं, और अगर मुझे लगता है किसी चीज़ का जवाब नहीं है मेरे पास, तो मैं अपने उन रिटर्निटी के पास जाता हूँ जो डॉक्टर्स हैं, प्योर डॉक्टर्स, सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे तब भी अगर समझ नहीं आएगा तो मैं साफ साफ बता दूंगा कि मैं ये बात नहीं जानता। तो जनरली मैं वो बात करता ही नहीं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कहीं मैं फंस गया हूँ, या मुझे लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो शायद मेरी क्षमता से बाहर है, मैं एक बी फार्म ग्रेजुएट हूँ, मैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से जानता हूँ, फार्माकोग्नोसी जानता हूँ, फार्माकोलॉजी जानता हूँ, मगर मेरी भी एक लिमिट हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा एस्ट्यूट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स देखते हैं, तो मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ, तभी जाकर मैं कोई जवाब देने लायक बन पाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके लिए, मेरे लिए और सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। माई ओनली पॉइंट इज, लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द रियल इशू। रियल इशू इज़ कि आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि अभी रियल प्रॉब्लम क्या है, मोटापा रियल प्रॉब्लम है, रियलिटी है, सबकी है। अब आप उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं, सोल्यूशन में आप जाके उठा के कुछ भी आपको पता लगता है ये इफेक्टिव है, 7 तरीके आपने बनाया वीडियो, top 7 techniques, अरे भाई top 7 techniques क्या वो सबकी बॉडी पर सेम काम करेंगी? आप इमेजिन करो, आपको क्या लगता है एक पेन किलर जो मेरी बॉडी पर काम कर रही है, आपको लगता है सेम आपकी बॉडी पर कर सकती है? अरे इतना तो जिम के कोच भी जानते होते हैं यार, कि एक्टो, मीजो, एंडो, हर तरह की अलग अलग किस्म की बॉडी के टाइप्स होते हैं, हर किसी के टाइप में अलग अलग किस्म का इफेक्ट होता है खाने का, पीने का। कुछ लोग कभी वी शेप बना ही नहीं पाते हैं अपनी बॉडी की, क्योंकि उनकी बॉडी का स्टाइल ऑफ जो बिल्ट होता है वो होता ही डिफरेंट है, उसकी एथलेटिक बिल्ट होती है, हर किसी का टेक्स्चर अलग होता है स्किन का। किसी को एस्मा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस की, किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे आप डायूरेटिक बोल देंगे, तो आपको पता है डायूरेटिक खाने से ब्लड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? इतना आप जानते हैं, कर आपने बीकॉम रखी है, कर आपने बीए रखी है, कर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, और आप बातें करते हैं फैट लॉस करवाने की। देखिए आप झोला छाप डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती के फालतू की बातें मत किया कीजिए यूट्यूब पर, ये लोगों की लाइफ को बहुत गलत तरीके से अफेक्ट करता है। आई नो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू अ लॉट ऑफ पीपल, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को डिसलाइक भी करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे लगता है आप लोग गलत दिशा में या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की जगह उन्हें पोटेंशियल दीजिए, उन्हें समझदार बनाइए, उन्हें वो आर्टिकल्स ला के दीजिए, वो क्लिनिकल एब्स्ट्रैक्ट्स ला कर दीजिए जो प्रूव करते हैं कि जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो बोल बोल रहे हैं, उन बोल का कोई कहीं ना कहीं माध्यम है और वो सच में प्रूफ देता है। इसीलिए कुछ ही यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जनरली जहाँ पर लोग अच्छे से रिसर्च कर कर ही आते हैं, मैंने देखा है, बट बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया जाता है। सो माय रिक्वेस्ट टू दोज यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और मे बी अदर पीपल ऑन सोशल मीडिया, डोंट डू दिस। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर करेंटली फॉलोइंग दीज पीपल रिग्रेसली एंड नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियसली उन्हें फॉलो किए जा रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उनका क्या लॉस हो सकता है जस्ट बिकॉज आज मैंने ये बात बोल दी है,
डायूरेटिक्स, कार्नाटीन और बाकी सब के बारे में, या आयुर्वेदा के बारे में, अश्वगंधा और एचआईवी के बारे में, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर यकीन कर लीजिए। आप जाइए, सर्च कीजिए, गूगल पर जाइए, क्लिनिकल आर्टिकल्स पढ़िए। आप भी मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, आपको डबल चेक करना ज़रूरी है फैक्ट्स को। सारे फैक्ट्स आने के बाद जब एक वीडियो बनता है तब उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पता लगती है। सो गाइज, माय रिक्वेस्ट इज, लेट्स नॉट बिकम सो गलेबल, हम इतने बेवकूफ़ और कान के कच्चे ना बन जाएं कि कोई भी कुछ भी आकर बोले जा रहा है और हम उसकी बात को मान जाएं। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दिया कीजिए, आप डेटा पर ध्यान दिया कीजिए, आप क्लिनिकल पेपर पर ध्यान कीजिए। जब भी आप किसी मेडिकेशन को फॉलो करने की बात करते हैं, या कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर बोलता है ये खाना शुरू कर दीजिए, तब प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट डू इट जस्ट लाइक दैट। आप उसको फॉलो करने से पहले डॉक्टर से पूछो, सबसे इंपॉर्टेंट अपने डॉक्टर से। कोई मेडिकल एडवाइस बिना डॉक्टर के मत लिया करो, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ और ये मैं आज भी बोलूँगा। कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, बिकॉज आज के टाइम में कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब छोटी छोटी बीमारियाँ, क्रॉनिक बीमारियाँ पड़ी होती हैं आपके शरीर में, आपको पता भी नहीं होता कई बार, और आप खाना शुरू कर देते हैं, या आपको पता होता है आपको बीमारी, आप उसको उतना बड़ा नहीं समझते और कोई एडवाइस लेकर कुछ खाना शुरू कर देते हैं, और वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। गाइज, अगर आपको ये सब पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर क्लिक करें, सो दैट आपके पास सारे नोटिफिकेशंस वक्त पर पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।